माय गॉड, अरे आ रहा हूँ आ रहा हूँ आ रहा हूँ। क्या इतना, कौन है? नहीं चलेगी, 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 अरे नहीं चलेगी, 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 एक मिनट, शांति शांति शांति। बट क्या हुआ दक्कू अंकल, आप हमारे साथ नाइंसाफी कैसे कर सकते हो? आप बड़ों को थाली खिलाने लेके जा रहे हो और हमें ठेंगा दिखा रहे हो। हाँ अंकल, आपको हमें बताना ही होगा कि आप हम लोगों को थाली खिलाने के लिए क्यों नहीं लेके जा रहे हो। एग्जैक्टली दक्कू अंकल, आपको बताना होगा क्या है इस इनजस्टिस का रीजन। क्या ये है इनजस्टिस का सीजन? पापा, क्या हुआ अगर हम बच्चे हैं? पेट तो हमारे पास भी है, भूख हमें भी लगती है। हाँ हाँ, एक मिनट, माना तुम लोगों को भूख लगती है, पर कितनी? चिड़िया जितनी भूख है तुम्हारी और चींटी जितना खाते हो तुम। 2000 की थाली में तुम 200 का भी माल नहीं खा पाओगे, मेरे पूरे पैसे वेस्ट कर दोगे। पर अच्छा, अगर ऐसी बात है तो आप मंगेश को क्यों लेके जा रहे हो थाली खिलाने? वो भी तो हम जैसा है। तुम्हारे जैसा? व्हाट, किसने कहा तुम्हारे जैसा है? तुम पांचों के जितना वो अकेला खा जाएगा, मेरी एक थाली का पूरा पैसा वसूल करेगा वो। व्हाट गाइस, व्हाट, क्या हुआ? मुझे लगता है कि धक्कू अंकल सही कह रहे हैं, मतलब 2000 की थाली में हम लोग मुश्किल से ना 200 या 300 का ही आइटम खा सकते हैं। दीदी, तो आप कह रहे हो कि हम हार मान जाएं? ओ हेलो, क्या चल रहा है ये सब? हम हार नहीं मानेंगे, हम थाली खाने नहीं जाएंगे, लेकिन थाली के पैसे लेंगे और अपनी मनपसंद चीजें यहाँ मंगा कर आराम से बैठ के खाएंगे। धक्कू अंकल लाइफ में पहली बार इतनी बड़ी पार्टी दे रहे हैं, तो उस पार्टी का कुछ पार्ट तो हमारे हिस्से में आना चाहिए ना। बिल्कुल आना चाहिए, जरूर आना चाहिए। Yes, dear. Now let me present this proposal to Papa. Yes. Papa, आप सही कह रहे हो, हम थाली खाने नहीं जाएंगे। Very good. लेकिन इसके बदले में आप हमें पर हेड 2000 के हिसाब से 10,000 रुपए दे दो। 10,000? हाँ, क्या हुआ धक्कू अंकल, झटका लगा? अच्छा ठीक है, आपके लिए थोड़ा सा डिस्काउंट, आप 10,000 नहीं 9,000 दे दो। नो। अच्छा, मैं तुम सबको मिलाकर 1,000 रुपए दूंगा। 1,000? What? 1,000 रुपए में क्या होगा? एक मिनट, ना हमारी ना आपकी 8,000। नहीं नहीं, 2,000। 7,000। 3,000? 6,000। 4,000? 5,000 फाइनल कर देते हैं, ठीक है? इससे ना कम ना ज्यादा, प्लीज। हाँ, ओके, डन। बाल बाल बच गया, क्योंकि मैंने किसी को ये नहीं बताया कि मुझे थाली 2000 में नहीं बल्कि 1,000 में पड़ी है। एक पे एक थाली का स्पेशल ऑफर मिला है मुझे, स्पेशल ऑफर। क्या करूं क्या करूं क्या करूं क्या करूं, ये क्या है? आइए पधारिए, राजकुमार भोग के वर्ल्ड फेमस थाली रेस्टोरेंट में आपका स्वागत है। वर्ल्ड फेमस राजकुमार भोग थाली सिर्फ 1,000 रुपए में। संडे स्पेशल ऑफर, एक पे एक थाली फ्री फ्री फ्री। इस संडे उठाइए स्पेशल ऑफर का लाभ, 2,000 की थाली सिर्फ 1,000 रुपए में। तो सोच क्या रहे हैं, संडे को बनाइए स्वादिष्ट, मजेदार और जायकेदार संडे। स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर कॉल करके तुरंत अपना ऑर्डर प्लेस करें। वाह, मस्त ऑफर है, पर ये ऑफर मेरे किस काम का? एक्चुअली काफी टाइम से संडे को कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं हुआ है हमारी सोसाइटी में, संडे बहुत बोरिंग हो गए हैं, तो कुछ प्लान कीजिए ना जिससे हमारे बोरिंग संडे बिल्कुल ऐसे इंटरेस्टिंग हो जाए। ओह माय गॉड, लगता है भगवान ने ये ऑफर मेरे लिए ही बनाया है। ओह माय गॉड, और इस वक्त तो मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए भी है, और मुझे परम पूजनीय परम आदरणीय सुंदर सन्नारी बन्ना भाभी को दिया हुआ वादा भी तो पूरा करना है। यस, इस ऑफर का इस्तेमाल करके इस संडे को सबके लिए मजेदार संडे बना दूंगा। यस, इस ऑफर को मैं अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। मैं अभी राजकुमार भोग थाली में फोन करता हूँ। अच्छा हुआ मैंने ये ऑफर अवील कर लिया, वरना बच्चों को 2,000 पर हेड के हिसाब से 10,000 देने पड़ते और बैठे बिठाए मुझे 5,000 का नुकसान हो जाता।
दो बज गए, कब निकलेंगे, कब पहुंचेंगे और कब वो थाली खाएंगे? बाकी सारे लोग तो ऑलरेडी लॉबी में वेट कर रहे हैं। तो हम भी एक काम करते हैं ना, हम लॉबी में ही चलते हैं। क्या है, अपने जैसे और भूखे लोगों को देखकर हमारे दिल को ये तसल्ली मिलेगी कि हम अकेले नहीं है जो भूख के मारे तड़प रहे हैं। आई नो, पर ज्योति भाभी हम ऑलरेडी इतने सारे भूखे हैं तो और भूखों की क्या जरूरत है ना? मार्फतिया जी वो कहते हैं ना, एक से भले दो, दो से भले तीन, तीन से भले तेरह भूखे। वंदना भाभी चलता है ना वहाँ पे, दक्षिश भाई आएंगे ना तो उन्हें भी वहीं से उठा लेंगे अपने साथ। बड़ा बड़ा टाइम बचेगा, टाइम बचेगा। नहीं नहीं नहीं, दक्कू भाई ने कहा है वो यहाँ आएंगे हम सबको लेने के लिए। लेकिन वो जब तक यहाँ आएंगे तब तक हम में से कोई भूख के मारे और क्या बोलूं। ये देखो ना, ये राजकुमार भोग की साइट पे जाके मैंने वो 56 व्यंजनों वाली थाली का फोटो निकाला है। छोटी छोटी कचौड़ियां, कुरकुरे पापड़, छोटी छोटी पूरन पूड़ी, स्ट्रॉबेरी रायता और बासुंदी। मीठी है। मैं अपनी इमेजिनेशन में ऑलरेडी 15 बार इस थाली को चाट चुका हूँ। भगवान जाने रियलिटी में कब खा पाऊंगा। 10 बार कॉल कर चुका हूं उस दक्कू को, उसका फोन हमेशा स्विच ऑफ आ रहा है। कब तक? सुबह सुबह सबको कसम दिला के गया, कोई खाना नहीं खाए और उसकी कसम के चक्कर में सुबह से अन्न का एक दाना भी नहीं गया पेट में। आने दो दक्कू को, ऐसे थप्पड़ मारूंगी ना उसे। काकू मारना मत, इसमें आने के चक्कर में और ज्यादा लेट हो जाएंगे जाने में। काकू आपने ऐसी थाली खाई है पहले कभी? थाली नहीं खाई है, वो लंबे टेबल पे वो रखता ना खाना, बुफे, हाथ से लेते हुए। हाँ, बुफे, हाँ। बुफे, वो खाया है। लेके गए थे मुझे शादी की पहली सालगिरह पे, कहने लगे चलो तुम्हें दावत खिलाता हूँ। वहाँ जाके पता चला मेरे बहाने यही खाना खा रहे हैं। ऐसे भुक्कड़ों की तरह खाना खाया है ना कि मैं तो परेशान हुई। मैंने कहा हे भगवान, इतने गलत आदमी से शादी की मैंने। क्या गलत आदमी से? अरे मतलब इनको खाना खाते हुए देखा ना तो मैंने सोचा कि जिंदगी भर मैं पकाती रहूंगी और ये खाते रहेंगे बस। मम्मी तू अभी मत हंसा, खाली है पेट। अच्छा मंगिया, वो यामिनी भाभी को फोन करके देख, शायद उनको पता हो कि दक्कू कहाँ है। क्यों, तू करना, कभी तो अपना काम खुद कर लिया कर। ये मेरा अकेले का काम नहीं है, मैं सबके लिए बोल रहा हूँ। तो तू कर लेना। अरे बेटा भूख के मारे सबका बुरा हाल है, सब चिड़े हुए हैं और ये चिड़चिड़ाहट एक दूसरे पर तो मत निकालो। अरे मंगेश उसको छोड़, तू ही फोन कर लेना। वन्ना बहन आप सबने तो सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे तो दक्कू ने कल रात से कुछ खाने को नहीं दिया है और ना ही खुद ने कुछ खाया है। वन्ना बहन मंगेश का कॉल है, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे लेती हूँ। हाँ। हेलो यामिनी आंटी। हाँ हाँ मंगेश बेटा, मुझे पता है तुमने कॉल क्यों किया है। जो तुम्हारा हाल है वही हम सबका हाल है। दक्कू गायब है, ना जाने क्या गोलमाल है, ना जाने क्या गोलमाल है। यामिनी भाभी कर क्या रही है आप? एक तो दक्कू भाई ने परेशान करके रखा है, ऊपर से आप घटिया शायरी सुना रही है। हाँ। क्या? सॉरी सॉरी यामिनी भाभी, वो भूख के मारे इरिटेशन हो रही है बहुत, इसलिए कुछ भी बोल रही हूँ मैं, सॉरी। इट्स ओके वन्ना बहन। यामिनी भाभी निक का कॉल आ रहा है दूसरी लाइन पे। हाँ दक्कू ने निक को भी थाली पार्टी के लिए इनवाइट किया था। कियारा तो पुणे गई है ना, तो निक अकेला ही आएगा पार्टी में, उसे भी कॉन्फ्रेंस कॉल पे ले लो। हाँ हाँ अभी करते। हाँ निक। हेलो वंदना भाभी। हाँ सॉरी मैं थोड़ा सा लेट हो गया, पर्सनल काम में उलझ गया था, बस निकल ही रहा हूँ, बहुत भूख लगी है मुझे। कहाँ तक पहुँचे? कहीं तक नहीं पहुँचे, अभी तक घर पे ही है, दक्कू भाई आए नहीं है हमें लेने। क्या? हाँ अरे वो ओह माय गॉड, तो बहुत गलत किया दक्कू भाई ने। अरे गलत नहीं, गुनाह किया है, गुनाह दक्कू ने। तू बस एक शुगर की मरीज को कुछ खाए बिना ऐसे ही रोक के रख दिया। अरे मैं खाऊंगा नहीं तो दवा कैसे खाऊंगा, बोलो राधिका। चलो चलो चलते हैं, चलो पहले के लिए तो खड़ा हूँ,
लेकिन डक्कू का क्या? डक्कू के साथ जाने के लिए नहीं कह रही हूँ, मेरे साथ चलिए, दो फुलके बना देती हूँ, दवाई खानी है कि नहीं? लेकिन डक्कू की कसम। अरे कसम को मारिए गोली, आप अपनी गोली खाइए। फुलके? अरे फुलके भी बना देती हूँ, मैंने ही कहा था ना अभी, फुलके बना देती हूँ, आप फुलके खाइए, फुलके के साथ गोलियां खाइए, मेरा दिमाग मत खाइए, चलिए। बाप रे, ये भूख की वजह से ऐसा हो रहा है, किसी का गुस्सा किसी पे निकल रहा है। काकू, आप काका को लेकर जाइए, दक्कू भाई आएंगे ना तो मैं फोन कर दूंगी आप। चलो चलो जाएंगे। ए, तिवारी। जी साहब। दक्कू दिखा गया कई बार? दक्कू साहब को? हाँ। नहीं देखा साहब, क्यों, क्या हुआ? अरे वो सबको थाली खिलाने के लिए लेके जाने वाला था और वो खुद ही गायब। कहाँ गायब हो गए साहब, कैसे गायब हो गए? अभी अगर हमको पता होता तो हम लोग यहाँ पे खड़े होते क्या, वाट लगवाते हुए अपनी? साहब एक अकल की बात बताऊ, आप उनको फोन कर लीजिए और पूछ लीजिए कहाँ है। तो तेरे को लगता है कि हमने अब तक उसको कॉल नहीं किया होगा? अच्छा कर लिया फोन। तो क्या बोला साहब ने? उसने बोला कि तिवारी अगर आएगा हाँ तो उसको चुप बैठने के लिए बोल। ऐसा कहा उन्होंने? पर क्यों कहा साहब ऐसा उन्होंने? जी जी जी। 5000 मिल गए हैं, अब डिसाइड करो कि क्या क्या खाना है और सब लोग हेल्दी फूड खाएंगे, कोई भी अनहेल्दी फूड नहीं खाएगा। ओके ओके। मेरे लिए पिज्जा। पिज्जा हेल्दी होता है? नहीं, जंक फूड है वो, ना जंक फूड ही खाता है, मैं हेल्दी फूड मंगवाऊंगा। दैट्स माय बॉय। बोल तू क्या खाएगा? छोले भटूरे। छोले भटूरे ना ऑयली होते हैं, अनहेल्दी। नो। तू क्या खाएगी? दाल खिचड़ी। नाइस। क्या नाइस दीदी, पापा ने पहली बार इतने ज्यादा पैसे दिए, अब इसमें भी कोई दाल खिचड़ी खाएगा? हाँ यार सखी, कम से कम आज के दिन तो हेल्दी और जंक फूड मत देख, जिसका जो मन करता है ना हम वो खाते हैं, ठीक है? ओके, तो एक काम करते हैं, हम वैसे भी दक्कू अंकल के साथ थाली खाने जा रहे थे ना, तो हम भी अपने लिए एक एक थाली ऑर्डर करते हैं, लेकिन 2000 वाली नहीं, 200 वाली, और जितने भी पैसे बचेंगे वो आपस में बांट लेंगे और उन पैसों को अपनी अपनी मर्जी से जब भी जैसे भी खर्च कर सकते हैं। व्हाट से सुपर आइडिया, आई एम इन। मैं भी। राधिका बहुत भूख लगी है, जल्दी करो। सुनो, दो फुलके जरा जल्दी से बना लेना और कुछ भिंडी की सब्जी बना दो और मूंग की दाल बना दो और साथ में हाँ थोड़ा सलाद काट लेना। धनिया और पुदीने की चटनी बना देना, ठीक है? फिर मीठे में खीर बना देना, अब वो ढेर सारा ड्राई फ्रूट डाल के, है ना? हाँ, फिर पान वाले के पास जाके ना पान लेके आऊंगी, ठीक है? दीदी ये कुछ ज्यादा हो जाएगा ना? ज्यादा हो जाएगा नहीं, ज्यादा हो चुका है, तुम्हारा डक्कू का, दोनों का ज्यादा हो चुका है। अरे देखो, दो फुलके नमक लगा के और थोड़ा सा घी लगा के खा लेना। खा लूंगा। भूख तुम्हें नहीं लगे? मेरा भी भूख के मारे ना कलेजा यहाँ मुंह पे आ गया है। अब ना डक्कू को मिलने दो, ऐसा पिटूंगी ना कि उसका द और कु अलग हो जाएगा। आवाज कहां से आई? पता नहीं, अंदर कोई है लगता है। कौन है? मुझे क्या पता, अंदर चल के देखते हैं। कौन है अंदर? कौन है? अरे कोई नहीं। चलो। कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? कौन है? राधिका, ये आवाज तो कुछ जानी पहचानी से लगती है। हाँ कौन कौन? रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना कर रहे थे। रूल्स गो बैक टू स्कूल। डक्कू? हाँ डक्कू, रूल्स मतलब रूल्स थे डक्कू। सभी डोसन हाई सोसाइटी का स्मार्ट डैशिंग सेक्रेटरी डक्कू। सबको थाली पार्टी के लिए बुला के खुद गायब होने वाला दगाबाज दक्कू। बासी, बासी, बासी। शुगर के पेशेंट को सुबह से भूखा रहकर गुनाह करने वाला दक्कू और दूसरों के घरों में चोरों की तरह घुसने वाला दक्कू। बस 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 बस, एक बात बताओ, ये दक्कू का बच्चा हमारे घर में दाखिल कैसे हुआ? आपके घर की
इस स्पेयर की से इमरजेंसी के लिए मैंने सोविडोशन हाइट सोसाइटी के हर फ्लैट की स्पेयर की बना रखी है। मैंने ऑफिस से आपके घर की स्पेयर की ली और आपके घर में दाखिल होकर यहाँ छुप गया। अरे लेकिन तू छुपता क्यों घूम रहा है? हाँ, अगर तुझे थाली पार्टी नहीं देनी थी तो प्रॉमिस क्यों किया? हाँ? तुझे पता है बाहर ना सब लोग भूख के मारे तड़प रहे हैं और तुझे ढूंढ रहे पीटने के लिए। मैं भी मासी, 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 मासी के बच्चे। ओह माय गॉड, मासी इतना तो पीट चुकी है और कितना पीटेंगी? जब तक मेरी भूख शांत नहीं होती ना पीटूंगी तुझे। मासी मुझे तो लगता है आपको खाने की नहीं बल्कि मारने की भूख है। ओह माय गॉड। बस करो राजू, बस करो बेटा। एक बात याद रखो, पैर उतना ही पसारो जितनी बड़ी चादर हो। ओके। जब तुम्हारी हैसियत नहीं है तो इतने बड़े बड़े दावे क्यों करते हो? बड़ी बड़ी डींगे हाँकते हो और इस तरह से छुपते फिरते हो। ची? नहीं 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 काका, मासी मैं यूं ही नहीं छिप रहा हूँ। उसकी एक वजह है और वो ये है कि वो यू की मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मेरे से और वेट नहीं हो रहा। आप दोनों बैठ के दक्कू अंकल का इंतजार करो, मेरे को नहीं खाने कोई थाली वाली, मैं जा रहा हूँ वड़ा पाव खाने। ए रूप मंगेश, मेरी बात तो सुन। उसको जाने ही देना विद्या, तू जा रहा है तो हमारे लिए भी 6 वड़ा पाव लेके आ, ठीक है? पैसे? जा भाई। चुप हो जा डक्कू, चुप हो जा और पानी पिएगा? नहीं मासी, थैंक यू सो मच। देख बेटा एक बात सुन, मेरी पूरी बात सुन के मैं तुझसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि जो हुआ सो हुआ, अब इस बात को दिल से लगा के मत रख और सबसे छुपता मत फिर, है ना? डक्कू एक बात बताऊँ? देख ये बात ना तू सबसे छुपा मत, हमको बताई नहीं तूने, वैसे सबको बता दे। हाँ, नहीं नहीं मासी, नहीं ये बात किसी को नहीं बता सकता। अगर ये बात मैंने किसी को बताई तो सब लोग मुझे बेवकूफी बोलेंगे और मैं नहीं चाहता कि सोसाइटी के फर्स्ट सिटीजन ऑनरेबल सेक्रेटरी को सब लोग बेवकूफ बोले। चुप बगले, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तू सबको बोल दे, तू बोलेगा तो कोई ना कोई हल निकलेगा जरूर, है ना? हाँ, और तुझे अकेले जाने में शर्म आ रही है ना, तो हम दोनों चलते हैं तुम्हारे साथ। हाँ। चलो सबको बता। नहीं, नहीं 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 मासी, नहीं उससे कुछ नहीं होगा, लोग फिर भी मुझे बेवकूफी समझेंगे। ओहो, अरे बेटा देख कोई कुछ नहीं बोलेगा है। एक बात बता, हमने तुझे बेवकूफ कहा क्या? नहीं नहीं कहा ना, तो और लोग भी नहीं कहेंगे। हाँ, चिंता मत। काका, मासी, आप लोगों की बात और है, इसीलिए तो मैंने आपको सारी बात बता दी। पर मासी, काका, ये बात आप लोग भी किसी को नहीं बताओगे ना? आपको मेरी कसम है ना, अगर ये बात आप लोगों ने किसी को बताई तो मैं तो क्या? अरे दको, अरे क्या करेगा ये बेचारा? काका, मासी, अभी तो मैंने आपको पूरी बात बताई नहीं, अगर आपको पूरी बात पता चलती तो आप मुझे बेवकूफ तो नहीं लेकिन एक गलत इंसान जरूर समझते। ओह माय गॉड। काका, मैं आपको कल लौटा दूंगा। तुम बाहर में गया दक्कू और बाहर में गया उसकी घेल सकती थाली। मैं सबके लिए खाना ऑर्डर कर रहा हूं।
जब तक खाना आएगा तब तक भूख के मारे सबकी जान निकल जाएगी। अरे क्या है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.